से नक्सली विलेज सप्ताह मनाया जा रहा है। नक्सलियों के प्रतिबंधित संगठन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने 63 पन्नों का पत्र जारी किया। इस पत्र में उन्होंने स्वीकार किया है कि अग्निवीर सेना भर्ती प्रक्रिया के फैसले के खिलाफ आंदोलन में माओवादी शामिल थे। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि माओवादी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कैसे माओवादियों ने समय समय पर देशभर में सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लिया। नक्सल विरोधी अभियान की पुलिस उप महानिरीक्षक संदीप पाटिल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि नक्सलियों ने अब अपना ध्यान तीन बातों पर केंद्रित किया है। नक्सलियों ने पार्टी, सेना और संयुक्त मोर्चे पर भाग लिया है। इसमें पार्टी का मतलब पॉलिट ब्यूरो सदस्य है, आर्मी जंगल में काम करने वाले नक्सली है। इसके साथ ही संयुक्त मोर्चा यानी जनता में भाग लेकर लोगों को माओवाद की ओर आकर्षित करना। ब्यूरो और सेना में लोगों की कमी से नक्सली अब कमजोर हो गए थे। अभी जो 21 से 28 सितंबर है, वहाँ पे यह विलय सप्ताह है, उनका मर्जर सप्ताह है, उसके तहत उन्होंने 2-3 प्रेस नोट जारी किए हैं। तो उसमें उन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने फार्मर्स एजिटेशन में कैसे पार्टिसिपेट किया और उनको कैसे सफलता मिली, और दूसरा अग्निवीर के खिलाफ जो एजिटेशन हुआ, और बाकी देश में बहुत सारी जगह उन्होंने जो गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेशन में पार्टिसिपेट करके उन्होंने अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम किया है, ऐसे उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और बल्कि लेकिन जो एक स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, ये एक उनका ओल्ड डॉक्यूमेंट है, जो मेन डॉक्यूमेंट है, वी कैन से उनका जो है, उसके तहत वो स्ट्रैटेजी चलाते हैं। तो जो उनके डॉक्यूमेंट से उनके तीन वेपन्स है, उसमें मेन पार्टी है, दूसरा आर्मी है और तीसरा यूनाइटेड फ्रंट है। तो पार्टी यानी जो पॉलिट ब्यूरो सेंट्रल कमेटी जो उनका है, और आर्मी जो जंगल में पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, और तीसरा जो है जो यूनाइटेड फ्रंट है। यूनाइटेड फ्रंट जो है उनका काम है कि उनको पता है कि सिर्फ जंगल में लड़ने वाली आर्मी इंडियन स्टेट को टेक ओवर नहीं कर सकती, या इंडियन आर्मी या पुलिस को हरा नहीं सकते। तो उनका है कि जन सैलाब तैयार करो, मतलब पीपल्स रिवॉल्यूशन करो, लोगों को मोबिलाइज करो अपने आइडियोलॉजी में, और वो इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसी के लिए यूनाइटेड फ्रंट का निर्माण किया है, जो हर उनका जो रिवॉल्यूशनरी क्लास है, वो वर्कर्स है, पीजेंट्स है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स है, या जो डिप्रेस क्लास है, या जिनको लगता है कि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर अन्याय किया है, तो अलग अलग सेक्शंस है, वो सबको वो टारगेट कर रहे हैं, और उस सब सेक्शंस में काम कर रहे हैं। करने के लिए उन्होंने कवर ऑर्गेनाइजेशन बनाए है और अंडर कवर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो उनको अलग अलग नाम दे के संघर्ष समिति, क्रांतिकारी समिति, या जो भी ऐसे अलग अलग नाम लेके वो काम करते रहते। तो और वो नॉर्मल मतलब गणपति मंडल हो, दुर्गा मंडल हो, जिम्स है, ये सब जगह वो दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट यूथ। उनको यूथ चाहिए क्योंकि उनको जंगल में रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा, तो अर्बन एरिया से उनको रिक्रूटमेंट चाहिए, तो वो आगे सिटी में भी काम आए और जंगल में भी काम आए। वो जंगल में नहीं मिलने के कारण ही वो सिटी में आ रहे हैं, ऐसा ज़्यादा मान सकते हैं। हाँ, वो जंगल में काफ़ी मतलब 4-5 साल में उनको अच्छा खासा चेक बैठा है, तो अभी उनको लग रहा है कि इंडिया का अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, और जो अर्बन एरिया में स्लम्स है, बाकी पॉकेट्स है, इंडस्ट्रियल पॉकेट्स है, ये इन सब में अपॉर्चुनिटी है लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, इसीलिए वो फोकस कर रहे हैं। इसलिए वे अब संयुक्त मार्च के माध्यम से शहर और कस्बों में और गणपति मंडल के युवा कार्यकर्ताओं, जिम में कुछ युवाओं को समाज में अन्यायपूर्ण लोगों को खोजने और उन्हें माओवादी विचारों की ओर खींचने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक संदीप पाटिल ने कहा कि राज्य के 5 शहरों में माओवादियों ने शहरी लोगों को अपने जाल में खींचने की कोशिश शुरू कर दी है। इस बीच पत्र के कारण पाटिल ने कहा कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन पूर्ण पुलिस सत्यापन के बाद ही किया जाता है, इसलिए कोई भी युवा जो माओवाद की ओर भटक गया है सेना में शामिल नहीं होगा। पाटिल ने कहा कि इस पत्र के बाद राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उचित कदम उठाए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।